करता है कि चुनाव मैनेजमेंट में उसका कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस शॉक में है। तमाम एग्जिट पोल्स हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। किसान आंदोलन, पहलवानों के मुद्दे जो जीत की आस बंधा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया एक बार फिर, और कांग्रेस का ईवीएम राग फिर शुरू हुआ। हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस ईवीएम को दोषी ठहरा रही है, चुनाव में खेल होने की आशंका जता रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का ये जीत मिलना, यहां ईवीएम को कोई दोष नहीं दे रहा है। आखिर ईवीएम ने यहां कैसे ठीक काम किया, कांग्रेस का इस पर नो कमेंट्स। समीकरण सारे फेल, हरियाणा में खेल, बीजेपी का मंगल, ईवीएम पर दंगल। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीएम नायब सिंह सैनी का भरोसा देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए और नतीजे देखिए। हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में हाहाकार है, और जैसा कि नायब सिंह सैनी को अंदेशा था, एक बार कांग्रेस का ईवीएम राग है। हरियाणा में हार का कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं। मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले। हरियाणा के हाथ में कमल है, कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है ईवीएम राग कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है, करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। कांग्रेस को ईवीएम पर शक है, लेकिन ये शक सिर्फ हरियाणा में है। आज ही जम्मू कश्मीर चुनाव के भी नतीजे आए हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। इस जीत पर गठबंधन जश्न मना रहा है। हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है, जीत मिलने पर उसी ईवीएम को जम्मू कश्मीर में क्लीन चिट है। हरियाणा में जिस हार के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग को दोषी बता रही है, वही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है। जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें। I congratulate all of them, especially people of Jammu and Kashmir, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में ईवीएम ओके है, लेकिन हरियाणा में हार पर कांग्रेस पूछ रही है कि सारे कैलकुलेशन और एग्जिट पोल विपरीत कैसे हो गए। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई गड़बड़ी नजर मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जो मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है, उस मीडिया ने भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत बढ़त आगे दिखाया था।
कांग्रेस हरियाणा में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। जहां भी कांग्रेस को हार मिलती है ईवीएम जिम्मेदार होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जीत का क्या, कांग्रेस इस पर नो कमेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल शोरूम